मध्य प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में नहीं बुलाए जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का दर्द छलक उठा। उन्होंने कहा कि मैंने प्रदेश में सरकार बना कर दी, साल 2020 में उपचुनाव में भी कसकर प्रचार किया लेकिन जन आशीर्वाद यात्रा में नहीं बुलाया। उमा भारती ने कहा कि कम से कम निमंत्रण की औपचारिकता तो निभाना चाहिए था। बता दें कि उमा भारती रविवार को भोपाल के अयोध्या नगर में पौधरोपण कार्यक्रम में पहुंची थी। पूर्व सीएम भारती ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुझे प्रचार में बुलाएंगे, मैं भाजपा का ही प्रचार करूंगी। उमा भारती ने कहा कि आज बीजेपी की यात्राएं निकल रही हैं, इनमें मुझे कहीं नहीं बुलाया, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ सरकार बना कर दी। मैंने 2020 में भी जब अक्टूबर के महीने में कोरोना हो गया था, मुझे तब 11 दिन तक नहीं निकल पाए थे। भाजपा मिन्नतें कर रही थी कि आप आ जाइए। जब 28 सीटों पर चुनाव हुआ था तो 22 सीटों पर चुनाव जीते और मैंने कसकर प्रचार किया, और जब आशीर्वाद यात्रा निकली मुझे फिर नहीं बुलाया क्योंकि उनको लगता है कि अब तो हम सरकार बना लेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने आगे कहा कि मुझे चुनाव प्रचार में बुलाएंगे और मैं चली भी जाऊंगी, मैं भाजपा का ही प्रचार करूंगी, मैं भाजपा के लिए ही वोट मांगूंगी। लेकिन मेरे मन में ये सवाल जरूर आता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आपकी सरकार बनाई तो मैंने भी तो एक पूरी सरकार बनाकर दे दी थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया मुझे बहुत प्रिय हैं, मेरे भतीजे हैं, प्राणों से प्रिय हैं। उमा भारती ने आगे कहा कि उनको ये ध्यान तो रखना था, मुझे नहीं जाना था। वो घबराते हैं कि मैं पहुंच जाऊंगी तो सारा ध्यान मेरी तरफ चला जाएगा, मुझे नहीं जाना था। कम से कम निमंत्रण की औपचारिकता पूरी करनी चाहिए थी। उमा भारती के बयान पर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की आदत अपने सब नेताओं को अपमानित करने की है। मोदी सरकार ने, शिवराज सरकार ने, जो पुराने वरिष्ठ नेता हैं उन सबको लगातार दरकिनार किया है। सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने गुरु लाल कृष्ण आडवाणी को बर्फ में लगा दिया। ऐसे मोदी जी जिन्होंने मुरली मनोहर जोशी को समय से पहले रिटायर कर दिया है, एक लंबी लिस्ट है। फिर भी हम उनके परिवार पर क्यों टिप्पणी करें, वह जाने उनका परिवार है लेकिन हिंदुस्तान की संस्कृति है। याद रखिएगा, जो अपने बुजुर्गों का तिरस्कार करता है उसे भगवान भी माफ नहीं करता है। बता दें कि मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती पिछले 2.5 सालों से कई बार मध्य प्रदेश सरकार को घेरते हुए नजर आई हैं, चाहे वह शराबबंदी का मामला हो या ताले में बंद धार्मिक स्थानों का मामला हो, उमा खुलकर सरकार को हिदायतें देती नजर आई हैं। अब उमा भारती ने विधानसभा चुनाव को लेकर 19 सीटों पर दावेदारी ठोकी है। सोशल मीडिया पर शनिवार को एक लेटर वायरल हुआ। ये लेटर उमा भारती ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को लिखा था। 25 अगस्त को लिखे गए इस लेटर में 19 सीटों पर उमा ने अपने समर्थकों के लिए टिकट मांगे हैं। इस पत्र में पूर्व सीएम उमा भारती ने लिखा है कि कुछ और नाम मैं अगली सूची में भेजूंगी। उमा का लेटर सामने आने के बाद बीजेपी खेमे में अब हलचल बढ़ी हुई है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।